अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मर्ज़िया फ़ातिमा। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आज मैं बना रही हूँ जी अपने लिए केवा। एक अदद मैंने लिए दालचीनी स्टिक और चार अदद लौंग, दो अदद ग्रीन इलायची, चार अदद काली मिर्च, चौथाई चम्मच मैंने इसमें जिंजर का अदरक का पाउडर लिया है। अगर साबुत हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे और थोड़ी सी पत्ती भी हमें इसमें ऐड कर लेंगे। चाय की पत्ती, जो नॉर्मल चाय की पत्ती है, इसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे और इसके बाद हम इसको पानी में ऐड करेंगे। दो कप में मैंने पानी लिया है और इसमें इस मसाले को हम ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दो कप से पानी एक कप रह जाए। इतना इसको हमने पकाना है, तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब ये तकरीबन एक कप रह चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर से छान लूँगी और इसको कप में डाल के अब चाहें तो इसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। पहले मैं इसको ऐसे ही ले रही थी, साबुत डाल रही थी, तो शायद इसमें इन पर इतना फ्लेवर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसमें इसको ज़रा सा कूट के बाद में ऐड किया तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क हुआ और खांसी में भी काफ़ी आराम आया था। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, कफ और फ्लू के लिए बेहतरीन है। मैंने इसमें शहद ऐड किया है। अब से आते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैं बना रही हूँ चना ग्रेवी। एक पैन में हम एक कप जितना मैंने ऑयल ऐड किया था, अगर आपको ऑयल कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने ऑयल में इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि प्याज बिल्कुल हमारी फ्राई हो जाए। इस प्याज को बाद में हमने निकाल के ग्राइंड कर देना है, क्योंकि फिर चनों में अगर प्याज ग्राइंड हम ना करें तो वो अलग अलग से रहती है, उसकी ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बनती, उस ग्रेवी में थिकनेस नहीं आती। तो इसलिए हम पहले प्याज जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसको अलग से निकाल देंगे, ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे और तीन से चार चम्मच चने जो है बॉयल चने, वो भी आपने इसमें ऐड करके इसको ग्राइंड करके स्मूथ साइज का एक पेस्ट बना देना है, ताकि जो है इसकी चनों की ग्रेवी जो है वो अच्छे तरीके से बने। अब इसको इस तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है, इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिलीज पेस्ट ऐड कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। ग्राइंड किए हुए टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो भी हम अब इसमें शामिल कर लेंगे। इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि तमाम स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। रेसिपी कार्ड मैंने मेंशन कर दिया है। इस तमाम मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट होने लगे। तो मतलब अब कि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है और ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। जब मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर हम इसमें चने ऐड कर लेंगे। अब मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें जो बॉयल किए हुए जो चने थे मैंने रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका है। अब बॉयल जो चने थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ग्रेवी के लिए आपने जो चनों का बचा हुआ पानी है वो भी इसमें शामिल कर देना है। जितनी आपने ग्रेवी इसमें रखनी है उतना आपने पानी इसमें ऐड कर लेना है। और मैं इमली का जो है इमली का पल्प मैंने डाला था वो मैं बताना भूल गई। आप अगर चाहें तो वो भी इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। चने क्योंकि खट्टे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप सिर्फ टमाटर के साथ बनाइए और बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी। थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पर रख देंगे ताकि जो चने हैं वो मसाले में अच्छे तरीके से पक जाए और उनमें भी चनों में भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब हमारे चने जी बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपनी वीडियो का इख्तिताम मैं अशफाक अहमद साहब की एक खूबसूरत दुआ के साथ करूँगी।
अल्लाह हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।